Good morning to all the students. Kaise hain aap sab? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic that is related to the redox reaction. हम अपनी last class के अंदर redox reaction के बारे में study कर रहे थे. Redox reaction क्या है? Redox जो word है वो दो reaction की combination से बना है. First one is called oxidation and second is reduction. Redox means reduction plus oxidation reaction की combination को बोला जाता है बच्चों redox reaction. So बच्चों हमने अपनी last class के अंदर उसके कुछ examples देखे, ठीक है, और देखा कि किस तरह से reduction और oxidation होता है. What is oxidation reaction? Those reaction in which addition of oxygen will take place and removal of hydrogen will take place, or also we can say that addition of electronegative element will take place and removal of electropositive element will take place. This is called oxidation. ठीक है, and one more term that is called reduction is called reduction is those reaction. Reduction reactions are the those reaction in which addition of hydrogen will take place and removal of oxygen will take place. This is completely opposite of the oxidation reaction. Or also we can say that addition of electropositive element will take place and reduction of removal of electronegative element will take place. So this is called reduction reaction. So students, आपको पता लगा reduction reaction और oxidation reaction क्या होती है, तो आप अपना last lecture बहुत अच्छे से देखिए उसके लिए. उसके बाद हम अगला topic आज करने जा रहे हैं redox reaction in terms of electron transfer. तो redox reaction in terms of इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. सो दे आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल टू इन विच वी विल एक्सप्लेन दैट हाउ द इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन. सो आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के अकॉर्डिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम चलते हैं, दो पार्ट्स में लेकर चलते हैं. तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट एवरी रिडॉक्स रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स. दे आर टू हाफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट. तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट रिडॉक्स रिएक्शन का सिंपल डिस्कशन के बाद आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट. और इस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के अकॉर्डिंग पूरी रिडॉक्स रिएक्शन को दो पार्ट्स में फर्दर कैटेगराइज कर दिया गया है. फर्स्ट वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड सेकेंड इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं. और आप लोगों को पता है ऑक्सीडेशन हाफ और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है. और ये ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ क्या है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन उस रिएक्शन को हम बोलेंगे जिसके द हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऐसी हाफ रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन. कोई रिएक्शन चल रही है और उस समय इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. एंड नेक्स्ट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन. तो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ ए हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन विच इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का गेन रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट टाइप ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट मीन्स अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन भी होता है. और जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो बच्चों उसे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो उसे हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने सिंपल तो आपको बता दिया था. तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, दोज रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस दैट टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, और ऐसी रिएक्शन स्पेशली दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स वी विल टेक इन द आयोनिक रिएक्शंस. ठीक है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं उनमें पता नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, बट आयोनिक रिएक्शन में आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है. तो जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी, और इलेक्ट्रॉन का गेन होगा वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी. और इसके कम्प्लीमेंट्री हम ले लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. व्हाट आर ओए मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हें हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स.
तो अब ये चार बातें आप इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग याद कर लीजिए. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस, रिडक्शन हाफ में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज एजेंट विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, ड्यूरिंग ए आयोनिक रिएक्शन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड वट आर रिड्यूसिंग एजेंट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. इतना आपको पता हो. नाउ वी विल टेक सम एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट. तो आपने सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने के बाद आज टॉपिक देखा है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. सो बच्चों एग्जाम्पल है हमारे पास, वी हैव एग्जाम्पल दैट सोडियम इज ए मेटल, यू नो दैट, विद अ क्लोरीन गैस. सोडियम प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट, क्लोरीन इन द गैसियस स्टेट, एज यू नो दैट. ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट, एंड द फॉर्मेशन ऑफ NaCl विल टेक्स प्लेस आफ्टर द बैलेंसिंग, वी अप्लाई द टू हेयर एंड ऑल्सो टू हेयर. ठीक है, सोडियम क्या कर रहा है, नॉर्मल नेचुरल जो एलिमेंट इंडिविजुअल एलिमेंट होता है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करता है, उसका जो चार्ज होता है बच्चों वो जीरो होता है. जीरो से यहां जा रहा है ये प्लस वन स्टेट के अंदर, और जीरो से प्लस वन की तरफ जब भी मूव करेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब भी लॉस करेंगे, और आपको पता है सोडियम हैव ए कैपेसिटी टू लॉस वन इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स वैलेंस शेल. सो आफ्टर लॉसिंग द वन इलेक्ट्रॉन इट कैरी द नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन दैट इज 2-8. तो इन द सोडियम क्लोराइड जो Na, सोडियम क्लोराइड के अंदर जो Na आयन होता है वो स्टेबल होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 2-8 होती है, क्योंकि वो जो आयन होता है वो Na पॉजिटिव होता है और आफ्टर लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद ही वो बनता है. ठीक है, और आगे क्लोरीन है, ये भी नेचुरल है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट आपको पता है क्लोरीन इज ए हैलोजन, और हैलोजन हैव ए कैपेसिटी टू गेन वन इलेक्ट्रॉन. हैलोजन की कैपेसिटी होती है 2-8, या दो एटम है क्लोरीन के, क्लोरीन के मॉलिक्यूल में दो एटम है क्लोरीन के, बट ईच एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन 17, दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन इज 2-8-7. सो आफ्टर गेनिंग द वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन कितने लॉस होंगे, दो सोडियम है तो दो इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, दो क्लोरीन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने गेन करेंगे, दो गेन करेंगे, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, और दो क्लोरीन यहाँ पर है तो 2-8-7 है, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज. सो हियर द क्लोरीन कैरी नेगेटिव चार्ज आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, एंड हैलोजन्स ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज, हैलोजन नेगेटिव चार्ज ही कैरी करते हैं. तो आपने क्या देखा बच्चों, ये सोडियम मेटल था, उसने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करा, क्लोरीन गैस है तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगी, Cl2 होगा, और Na सोडियम, ठीक है, दैट इज इन इंडिविजुअल स्टेट, दैट इज सॉलिड स्टेट, 2-8-1 क्लोरीन गैस थी, बट आफ्टर द बैलेंसिंग हमें बैलेंस करने के बाद हमें क्या मिला, सोडियम के यहाँ दो एटम मिले तो यहाँ भी हमने दो एटम लेने हैं, क्लोरीन के ऑलरेडी दो एटम है इन ए वन मॉलिक्यूल, Cl2 इज ए मॉलिक्यूल दैट कंटेन टू एटम ऑफ क्लोरीन, Cl2, सो Cl इज ऑल्सो हेयर. तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है. ठीक है, तो यहां पर सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम शो कर रहा है बेटा ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन शो कर रहा है बेटा रिडक्शन. ओके, तो हियर द रिडक्शन विल टेक्स प्लेस, हियर द ऑक्सीडेशन विल टेक्स प्लेस. तो हाफ ऑफ रिएक्शन अगर मुझे लिखनी पड़ जाए तो इस तरीके से एक हाफ रिएक्शन रिप्रेजेंट हो रही है, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. इसी तरह से अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन अगर क्लोरीन के एक एटम की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन के एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं. या मैंने सोडियम का एक ही एटम लिया या क्लोरीन का भी एक ही एटम लिया, आफ्टर गेनिंग द वन इलेक्ट्रॉन इट कैरी नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आयोनिक बॉन्डिंग होती है, इन दिस वे फॉर्म ए कंपाउंड दैट इज Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. दिस इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं बच्चे रिडक्शन हाफ रिएक्शन. इस तरीके से एक रिएक्शन कंप्लीट होती है बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, तो जब किसी भी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा होता है तो समझ जाइए उसके अंदर दो रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ. ऑक्सीडेशन हाफ समझ गए, और जो लॉस करता है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ठीक है, लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस. ठीक है, जो डोनर बन रहा है वो बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट. रिएक्शन का नाम तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, बट उस एलिमेंट को, उस रिएक्टेंट को हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और इस रिएक्टेंट को जो गेन कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर बनता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो क्लोरीन इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेयर, एंड सोडियम इज ए रिड्यूसिंग एजेंट हेयर. क्लियर, इतना आपको पता होना चाहिए. नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का एक इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी होता है, हमने किसी और तरीके से अब ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया। ऑक्सीडेशन वो होगा जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और रिडक्शन वो होगा जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उस एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे जो लूज करने के रिड्यूसिंग एजेंट, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी रखेगा उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। सो कुछ एग्जांपल अब हम और लेते हैं, लाइक सोडियम प्लस O2 ऑक्सीजन। सोडियम इज अ मेटल विच हेल्प इन ऑल्सो हेल्प इन लूज द इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉजिटिव O, इतना आपको पता हो बच्चों। ठीक है, नाउ यहाँ पर क्या कर रहा है ऑक्सीजन, टू नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। वैसे भी ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको पता है टू नेगेटिव, और मॉलिक्यूल के फॉर्म में ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है बेटा जीरो जीरो, और यहाँ आ रही है प्लस वन। यहाँ बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, इन दिस वे रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो हेयर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस विच इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड हेयर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस। सो हेयर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात अभी मैं आपको बताया, बस मैंने यहां पर क्या किया, क्लोरीन की जगह ऑक्सीजन लिया, और ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस वन ना होकर ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस टू होती है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो ए रिडॉक्स रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। ठीक है, इतना पता हो आप लोगों को बच्चों कि किस तरीके से हम रिएक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सोडियम लॉस कर रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और एक बात और याद कर लीजिए, जीरो प्लस प्लस और माइनस, इधर की तरफ हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। जीरो से प्लस की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीडेशन, वो प्लस कितना भी हो, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। अब मैं प्लस वन से प्लस टू जाऊंगी, प्लस वन से प्लस टू की तरफ मूव करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और प्लस वन से प्लस से माइनस की तरफ मूव करोगे तो बच्चों रिडक्शन होगा, या बोल सकते हैं जीरो से भी माइनस की तरफ, जीरो से भी माइनस की तरफ मूव कर रहे हैं तो रिडक्शन होगा। ठीक है, और जिसका रिडक्शन होता है वो स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है या सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो स्पीसीज रिड्यूसिंग एजेंट होती है। इतना आप लोगों को पता होता है। ठीक है, सो नाउ इतना पढ़ने के बाद अभी भी हमारे पास बहुत से एग्जांपल हैं। अब आप ऑक्सीजन की जगह सल्फर भी ले सकते थे इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, बट नाउ वी विल एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट, टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। सो वी हैव ए, हम एक एक्सपेरिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसी कंसेप्ट को समझाने के लिए। There are number of examples to explain this concept, but we will take some activity to explain this concept. Suppose we have a beaker. That beaker contain to experiment to explain the concept of redox reaction. ठीक है, so we have a beaker that contain a copper sulfate solution that is blue in color. And we add a strip of the zinc that is colorless, and after some time intensity of blue color will fade होने लगेगा। intensity of blue color, this is called initial stage that we जो हमने लेनी है initially. Second is intermediate stage in which reaction will start. ठीक है, ये zinc की strip है, अब इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये रिएक्शन ये जो है ये फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, मींस कलरलेस होना शुरू हो जाएगा, मींस रिएक्शन स्टार्ट हो गई। इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर डिक्रीजेस, इसका ब्लू कलर था जो इसके अंदर कॉपर सल्फेट मिलता है, इसका ब्लू कलर था। लेकिन जिंक की स्ट्रिप जब उससे रिएक्ट करेगी तो रिएक्शन होने लगेगी और इंटेंसिटी कम होने लगेगी। अब क्या होगा, लास्ट बीकर में मीन्स फाइनल स्टेज में पूरा का पूरा जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट में से निकलकर कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है वो कौन सा चार्ज कैरी कर रखा था उसने, टू पॉजिटिव, अब वो कॉपर बन जाएगा धीरे धीरे, और सारा का सारा कॉपर रोड के ऊपर जाकर, सारा का सारा कॉपर रोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। इसका मतलब जिंक इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट दैट रिएक्ट विद द कॉपर सल्फेट,
एंड फॉर्म ZnSO4 प्लस Cu एंड एज यू नो दैट जिंक इज वेरी रिएक्टिव देन कॉपर सो जिंक रिएक्ट विद कॉपर डिस्प्लेस द कॉपर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन बच्चों इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज यू नो दैट सो जिंक की स्ट्रिप जैसे हमने कॉपर सल्फेट में डाली कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू था ठीक है सोल्यूशन था वॉटर जब कॉपर सल्फेट के साथ प्रेजेंट होता है दैट शो ब्लू इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर आफ्टर सम टाइम क्या होगा इनिशियल स्टेज तो ठीक है ब्लू कलर अपियर हो रहा था आफ्टर सम टाइम इंटरमीडिएट स्टेज में फेड होना स्टार्ट हो जाएगा और फाइनल स्टेज के अंदर जो कलर है वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है ठीक है इस तरह से आप रिएक्शन को देख सकते हैं और रिएक्शन हुई है इसका कैसे पता लगा सकते हैं ये जो लास्ट सॉल्यूशन बना है इसमें H2S पास करिए H2S जैसे ही पास करेंगे तो H2S में जो सल्फर है जैसे आप चाहते हैं इस रिएक्शन की पूरी आइडेंटिफिकेशन और कोई एक टेस्ट करना चाहते हैं कि रिएक्शन हुई है कंप्लीट या नहीं हुई तो इसमें H2S डाल दीजिए H2S गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करते ही और जो सल्फर होगा वो ZN के साथ रिएक्ट हो जाएगा और ZNS बन जाएगा वाइट पीपीटी बन जाएगा ठीक है इतना आपको पता होना चाहिए सो दिस इज द रिएक्शन दिस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन हाउ यू कैन से दैट इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज हियर जिंक इज जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट दैट कन्वर्ट इन टू ZnSO4 में जिंक की जो स्टेट है वो टू पॉजिटिव है जीरो से टू पॉजिटिव मीन्स ऑक्सीडेशन विल टेक प्लेस सो नाउ कॉपर सल्फेट इज कम्प्लीटली डिसअपियर हियर द कॉपर सल्फेट इज कम्प्लीटली डिसअपियर रिएक्शन में कलरलेस नेचर आ चुका है तो इसका मतलब कॉपर सल्फेट खत्म हो चुका है अब जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद जिंक ने अपनी जगह ले ली कॉपर की जगह खुद आ गया तो यहाँ पर ZnSO4 बन गया कलर फेड हो चुका है कॉपर सल्फेट का कलर बिल्कुल नहीं है यहाँ पर कॉपर की जो वैलेंसी थी बच्चों वो थी टू पॉजिटिव नाउ द इंडिविजुअल एलिमेंट इज कॉल्ड जीरो सो जीरो से टू पॉजिटिव दिस इज कॉल्ड जिंक इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और पॉजिटिव से जीरो मैंने अभी बताया था पॉजिटिव से जीरो की तरफ जाओगे तो वो क्या होगा दिस इज कॉल्ड रिडक्शन So here in this reaction, two half reaction will takes place. One is called oxidation and other is called reduction. I will write that. मैं इसी same reaction को एक बार दोबारा लिखूंगी ये तो concept था हमारा एक activity थी तो zinc ने क्या किया electron को lose करा है और copper ने copper two positive था उसने electron को gain करा है क्या बन गया copper. zinc बन गया zinc ZnSO4 और ZnSO4 के अंदर zinc की valency two positive. copper बन गया Cu2 पॉजिटिव कॉपर सल्फेट बन गया कॉपर कॉपर सल्फेट में कॉपर की वैलेंसी 2 पॉजिटिव थी वो बन गया कॉपर इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया इसने गेन किया तो यहां पर हुआ ऑक्सीडेशन दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड दिस इज कॉल्ड रिडक्शन हाफ रिएक्शन दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट एंड कॉपर इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतना आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है सेम अगर ये रिएक्शन मैं रिवर्स कर दूं कि मैं अगर बीकर के अंदर ZnSO4 लूं ऊपर से कॉपर की स्ट्रिप डालूं तो नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस ठीक है बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक और ये रिएक्शन आप अगर इसको एक्सपेरिमेंटली भी देखना चाहते हैं तो इसमें H2S पास कीजिए H2S पास करने के बाद कॉपर सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी हमें ऑब्जर्व नहीं होंगे इसके अंदर ठीक है इतना आपको पता हो कि अगर हमने यही रिवर्स रिएक्शन ले लिया अभी तो मेरे पास अभी मैं बीकर में क्या ले रखा था कॉपर सल्फेट अभी कर मैं कॉपर सल्फेट की जगह हम लोग क्या ले ले हम लोग कॉपर सल्फेट की जगह इसके अंदर ZnSO4 ले लें और ऊपर से कॉपर की स्ट्रिप डाल दें बच्चे तो क्या होगा नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस कुछ भी कलर फेड नहीं होगा कुछ भी अपीयरेंस आपको पता नहीं लगेगी इस कंसेप्ट के अंदर इतना आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है सो वी कैन से दैट कॉपर प्लस ZnSO4 नो रिएक्शन विल टेक प्लेस मीन्स इक्विलिब्रियम अगर आप अटेन करना चाहें आप चाहते हो जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया वैसे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आ जाए ऐसा नहीं होगा इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है वो इस केस में अटेन नहीं होगी बिकॉज यहां चेक की जाती है रिएक्टिविटी दोज मेटल विच हैव मोर रिएक्टिव शो द रिडॉक्स रिएक्शन इन ए परफेक्ट वे तो बच्चों अभी रिडॉक्स रिएक्शन का जो चैप्टर है इसके अंदर आप सभी कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन भी वापस से पढ़ेंगे बट सभी के सभी आयनिक फॉर्म में पढ़ेंगे ठीक है आयनिक फॉर्म समझ रहे हो जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि वेयर द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड वेयर द रिडक्शन टेक्स प्लेस सो आप बच्चों आज आप लोगों को ऑक्सीडेशन का एक नई डेफिनेशन पता लगी जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं वो ऑक्सीडेशन शो करते हैं और उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट को बच्चों रिडक्टेंट भी बोलते हैं और जो भी एलिमेंट
रिडक्शन शो करते हैं, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, जो रिडक्शन शो करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। बट दैट टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड, उस तरह के रिएक्टेंट्स को जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, उस तरह के रिएक्टेंट्स को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किस रिएक्शन में कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, किस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। In the next class, we will discuss about a new topic that is very important topic for your higher classes, that is called oxidation number. So, हम अपनी last अगली class के अंदर oxidation number का जिक्र करेंगे, जो कि बहुत important topic है competitive point of view से. So, ये complete chapter ही बहुत important रहेगा आपके लिए. So, do your work in a neat and clean way and regularly.